दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेक ब्यास पर। दोस्तों मैं ब्यास मुनि सिंह। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। दोस्तों इसमें हम जानने वाले हैं व्हाट इज नेट टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी आर देयर, टोपोलॉजी कितने प्रकार के हैं, बस टोपोलॉजी क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं, डिटेल्स में जानने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या है? द शेप और लेआउट ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। नेटवर्क की आकृति या लेआउट को टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, हाउ ऑल द डिवाइसेस इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू ईच अदर। टोपोलॉजी नेटवर्क के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि किस तरह से नेटवर्क में सारे डिवाइस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द मेथड इन विच कंप्यूटर्स आर फिजिकली और लॉजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर। नेटवर्क टोपोलॉजी वह विधि है जिसमें कंप्यूटर फिजिकली या लॉजिकली आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब दोस्तों टोपोलॉजी वह विधि है जिसमें कंप्यूटर भौतिक रूप से आपस में कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों अगर हम सरल शब्दों में टोपोलॉजी को जानना चाहते हैं तो ग्रुप ऑफ पीसी, कंप्यूटर के समूह केबल के माध्यम से अगर किसी भी नेटवर्क में कनेक्टेड है उसमें जो पैटर्न बनता है, उसमें जो डायग्राम बनती है उसी को हम टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी के प्रकार। द टोपोलॉजी इज जनरली ऑफ द सिक्स टाइप। टोपोलॉजी सामान्यतः छह प्रकार के होते हैं। फर्स्ट बस टोपोलॉजी, दूसरा रिंग टोपोलॉजी, तीसरा स्टार टोपोलॉजी, चौथा ट्री टोपोलॉजी, पांचवा मेश टोपोलॉजी एंड छठवा हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे इन सभी टॉपिकों के बारे में जानते हैं। तो पहला है बस टॉपोलॉजी। इन बस टॉपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू विद ए सिंगल वायर केबल। बस टॉपोलॉजी के सारे कंप्यूटर एक सिंगल वायर केबल से आपस में जुड़े होते हैं। बस टॉपोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड लीनियर टॉपोलॉजी। बस टॉपोलॉजी को लीनियर टॉपोलॉजी भी कहा जाता है। इन ए लीनियर बस टॉपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए सिंगल लेंथ ऑफ केबल विद टर्मिनेटर एट बोथ एंड। दोस्तों एक लीनियर बस टॉपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर केबल की सिंगल लेंथ द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं तथा उसके दोनों सिरों पर टर्मिनेटर लगा होता है। मतलब दोस्तों बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सिंगल कोएक्सियल केबल से कनेक्टेड होते हैं और केबल के दोनों एंड पर टर्मिनेटर लगे हुए होते हैं। इस केबल को बैकबोन केबल भी कहते हैं। ये जो केबल है इसको बैकबोन केबल भी कहते हैं। बस टोपोलॉजी एक पैसिव टोपोलॉजी होती है जिसका अर्थ एक समय में केवल एक ही कंप्यूटर का मैसेज या डाटा को शेयर कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के क्या एडवांटेज हैं? बस टोपोलॉजी इज वेरी चीप टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी काफी सस्ती टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी रिक्वायर्स लेस केबलिंग एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अन्य बस टोपोलॉजी में
अन्य टॉपोलॉजियों की तुलना में कम केबल की आवश्यकता होती है। बस टॉपोलॉजी कैन बी इंस्टॉल इजिली, बस टॉपोलॉजी को आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। बस टॉपोलॉजी में एक कंप्यूटर को फेल होने पर समूह पूरे नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पर एक केबल ड्रॉप लाइन अगर फेल होता है तो बाकी हमारे नेटवर्क में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ बस टॉपोलॉजी। बस टॉपोलॉजी के डिसएडवांटेज, द केबल लेंथ इज लिमिटेड इन बस टॉपोलॉजी। बस टॉपोलॉजी में केबल की लंबाई सीमित होती है। इफ मतलब दोस्तों बस टॉपोलॉजी की एक सीमित लंबाई एक ही कंप्यूटर को दोस्तों बस टॉपोलॉजी में एक सीमित लंबाई तक ही कंप्यूटरों को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ द मेन केबल ब्रेक्स द इंटायर नेटवर्क गेट्स डिस्ट्रिब्यूटेड। मतलब दोस्तों मेन केबल ब्रेक होने से पूरा नेटवर्क बाधित हो जाता है। अर्थात दोस्तों अगर आपका मेन केबल जो आपका बैकबोन केबल है वही टूट जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना दूसरा रिंग टॉपोलॉजी। अब दोस्तों जानते हैं रिंग टॉपोलॉजी क्या है। इन रिंग टॉपोलॉजी कंप्यूटर्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल। रिंग टॉपोलॉजी में कंप्यूटरों को एक वृत्त के रूप में अरेंज किया जाता है। देयर इज नो कंप्यूटर होस्ट और मेन कंट्रोलिंग कंप्यूटर इन दिस टॉपोलॉजी। इस टॉपोलॉजी में कोई कंप्यूटर होस्ट या मुख्य कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। रिंग टॉपोलॉजी में कॉक्सियल केबल के द्वारा सभी कंप्यूटर एक सर्किल में आपस में कनेक्टेड होते हैं। ईच ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टेड इन द रिंग टॉपोलॉजी एक्ट्स एज रिपीटर। रिंग टॉपोलॉजी से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर रिपीटर के रूप में कार्य करते हैं। इसमें जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है वह यूनिडायरेक्शन में होता है। मतलब दोस्तों डाटा हमारा एक ही दिशा में फ्लो होता है। एडवांटेज ऑफ रिंग टॉपोलॉजी। रिंग टॉपोलॉजी इज इजीली टू क्रिएट। रिंग टॉपोलॉजी को क्रिएट करना आसान होता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी सेंट्रल डिवाइस। इसमें किसी भी सेंट्रल डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। इट इज इजीली टू मैनेज। ये इसे मैनेज करना आसान होता है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टॉपोलॉजी। रिंग टॉपोलॉजी के डिसएडवांटेज, इन रिंग टॉपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। रिंग टॉपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एंड इन दिस टॉपोलॉजी फेल्योर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट द इंटायर नेटवर्क। यदि इस टॉपोलॉजी में एक कंप्यूटर खराब होने से संपूर्ण नेटवर्क बाधित हो जाता है। मतलब दोस्तों अगर रिंग टॉपोलॉजी में कोई भी एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक डिवाइस रिपीटर के रूप में कार्य करते हैं। इसमें जितने भी डिवाइस आपस में कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे के लिए रिपीटर का काम करते हैं। एडिंग एंड रिमूविंग कंप्यूटर्स इन रिंग टॉपोलॉजी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। रिंग टॉपोलॉजी में कंप्यूटर को जोड़ना एवं हटाना काफी जटिल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टोर टॉपोलॉजी। इन स्टोर टॉपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब। स्टोर टॉपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होता है। ए हब इज ए कंप्यूटर और डिवाइस दैट ट्रांसमिट डाटा टू ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इट। हब एक कंप्यूटर या डिवाइस होता है जो इससे जुड़े
सभी कंप्यूटरों को डाटा ट्रांसमिट करता है। ए सेंट्रल हब इज ए कंप्यूटर और सर्वर दैट मैनेज द इंटायर नेटवर्क। सेंट्रल हब एक कंप्यूटर या सर्वर होता है जो पूरे नेटवर्क को मैनेज करता है। स्टार टॉपोलॉजी में किसी कंप्यूटर या सर्वर को डाटा ट्रांसमिट करने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। हब डाटा को ब्रॉडकास्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ स्टार टॉपोलॉजी। स्टार टॉपोलॉजी के क्या एडवांटेज है? स्टार टॉपोलॉजी इज इजीली टू मेक नेटवर्क फास्ट। स्टार टॉपोलॉजी नेटवर्क को फास्ट बनाने में आसान होता है। एंड इन दिस टॉपोलॉजी फेल्योर ऑफ वन लोकल कंप्यूटर डज नॉट इफेक्ट द इंटायर नेटवर्क। इस टॉपोलॉजी में एक लोकल कंप्यूटर के खराब होने से संपूर्ण नेटवर्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें सभी कंप्यूटर आपस में न जुड़कर एक सेंट्रल हब से कनेक्ट होते हैं। इसमें अगर एक कंप्यूटर खराब होता है तो बाकी बैलेंस जितने भी कंप्यूटर है वो आपस में कनेक्ट होंगे, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वह एक सेंट्रल डिवाइस हब से कनेक्ट हुआ है। इट इज वेरी इजी टू एड एंड रिमूव कंप्यूटर इन दिस टॉपोलॉजी। इस टॉपोलॉजी में कंप्यूटर को जोड़ना या हटाना काफी आसान होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टॉपोलॉजी। स्टार टॉपोलॉजी की क्या डिसएडवांटेज है? इन स्टार टॉपोलॉजी इफ द सेंट्रल हब फेल्स द इंटायर नेटवर्क फेल। स्टार टॉपोलॉजी में यदि सेंट्रल हब खराब हो जाता है, यदि हमारा सेंट्रल डिवाइस खराब हो जाता है तो संपूर्ण नेटवर्क फेल हो जाएगा। अगर हमारा हब ही खराब हो जाए तो हमारा सारे नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, अगर सेंट्रल हब ही खराब हो जाए उस समय संपूर्ण नेटवर्क फेल हो जाएगा, क्योंकि स्टार टॉपोलॉजी में सबसे मेन हमारा हब ही होता है, सबसे मेन हमारा इस सेंट्रल डिवाइस हब होता है। दिस टॉपोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव टू यूज। इस टॉपोलॉजी को उपयोग करने में काफी महंगी होती है। यह टॉपोलॉजी उपयोग करने में काफी महंगी होती है। दिस कॉस्ट ऑफ द केबल यूज इन इट इज हाई। इसमें प्रयोग की जाने वाली केबल की कीमत बहुत अधिक होती है, हाई होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट है ट्री टॉपोलॉजी। ट्री टॉपोलॉजी क्या है? ट्री टॉपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बस टॉपोलॉजी एंड स्टार टॉपोलॉजी। ट्री टॉपोलॉजी बस टॉपोलॉजी एवं स्टार टॉपोलॉजी दोनों का संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इन ट्री टॉपोलॉजी देयर इज ए होस्ट कंप्यूटर लाइक इन स्टार टॉपोलॉजी एंड लाइक इन बस टॉपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाई ए सिंगल केबल। ट्री टॉपोलॉजी में स्टार टॉपोलॉजी की तरह एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बस टॉपोलॉजी की तरह सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। द शेप्स ऑफ दिस टॉपोलॉजी लुक्स लाइक ए ट्री। इस टॉपोलॉजी का आकार एक पेड़ जैसा दिखाई देता है, जिस कारण इसे हम ट्री टॉपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों एडवांटेज ऑफ ट्री टॉपोलॉजी। ट्री टॉपोलॉजी के एडवांटेज क्या है? इट इज वेरी इजी टू इंस्टॉल दिस टॉपोलॉजी। इस टॉपोलॉजी को इंस्टॉल करना काफी सरल होता है। ईच डिवाइस हैज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट इन इट ड्यू टू विच द एरर टू इजीली डिटेक्टेड। इसमें प्रत्येक डिवाइस का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, जिससे आसानी से एरर को डिटेक्ट किया जाता है। मतलब दोस्तों, इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से इसमें एरर को आसानी से सर्च किया जा सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ ट्री टॉपोलॉजी। ट्री टॉपोलॉजी के क्या डिसएडवांटेज है? इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज। इसे मैनेज करना कठिन होता है, मतलब ट्री टॉपोलॉजी को मैनेज करना कठिन होता है। मोर केबल्स आर यूज इन दिस। इसमें अधिक केबल का उपयोग किया जाता है।
इसमें एक से अधिक केबलों का उपयोग किया जाता है। दिस टॉपोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव, इस टॉपोलॉजी काफी महंगी होती है, यह टॉपोलॉजी काफी महंगी होती है। इफ इफ द मेन नोड ब्रेक्स इन दिस द इंटायर नेटवर्क इज अफेक्टेड, इसमें मुख्य नोड ब्रेक होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों मेश टॉपोलॉजी। मेश टॉपोलॉजी क्या है? इन मेश टॉपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज इन दिस टॉपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ऑल अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। मेश टॉपोलॉजी में प्रत्येक नोड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी कि दोस्तों इस टॉपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इन दिस टॉपोलॉजी इफ एनी वन डिवाइस फेल और गेट डैमेज इट डज नॉट इफेक्ट द इंटायर नेटवर्क। इस टॉपोलॉजी में अगर कोई एक डिवाइस फेल या खराब हो जाती है तो उसमें संपूर्ण नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें सभी कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होते हैं। मेश टॉपोलॉजी इज ए वेरी एक्सपेंसिव टॉपोलॉजी, मेश टॉपोलॉजी काफी महंगी टॉपोलॉजी होती है। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ मेश टॉपोलॉजी। मेश टॉपोलॉजी के एडवांटेज, इन दिस टॉपोलॉजी मेनी कंप्यूटर्स कैन ट्रांसमिट डाटा simultaneously. इस मिस टॉपोलॉजी में कई कंप्यूटर एक साथ डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। डाटा इज ट्रांसमिटेड इवन इफ देयर इज एन एरर इन एनी वन नोड, इसमें किसी एक नोड में त्रुटि होने पर भी डाटा ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ मिस टॉपोलॉजी। मिस टॉपोलॉजी के डिसएडवांटेज क्या है? मिस टॉपोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव टॉपोलॉजी, मिस टॉपोलॉजी काफी महंगी टॉपोलॉजी होती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इट, इसे मैनेज करना काफी कठिन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हाइब्रिड टॉपोलॉजी। हाइब्रिड टॉपोलॉजी क्या है? हाइब्रिड टॉपोलॉजी इज ए नेटवर्क टॉपोलॉजी दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल अदर टॉपोलॉजी। हाइब्रिड टॉपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क टॉपोलॉजी है जो कई अन्य टॉपोलॉजियों से मिलकर बना होता है। टू आर मोर टॉपोलॉजी आर इंक्लूडेड इन दिस टॉपोलॉजी, इस टॉपोलॉजी में दो या दो से अधिक टॉपोलॉजी शामिल होते हैं। दिस नेटवर्क टॉपोलॉजी इज डिजाइन फॉर ऑफिस कैंपस ईटीसी, ये नेटवर्क टॉपोलॉजी ऑफिस कैंपस आदि के लिए डिजाइन किया जाता है। हाइब्रिड टॉपोलॉजी काफी महंगी टॉपोलॉजी होती है, यह टॉपोलॉजी काफी महंगी टॉपोलॉजी होती है। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टॉपोलॉजी। हाइब्रिड टॉपोलॉजी के एडवांटेज क्या है? हाइब्रिड टॉपोलॉजी इज गुड फॉर ए लार्ज ऑफिस एंड ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, एक बड़े ऑफिस या संसाधन के नेटवर्क के लिए हाइब्रिड टॉपोलॉजी अच्छी होती है। एक बड़े ऑफिस और संसाधन के नेटवर्क के लिए हाइब्रिड टॉपोलॉजी अच्छी होती है। एरर कैन बी इजीली डिटेक्टेड इन हाइब्रिड टॉपोलॉजी। हाइब्रिड टॉपोलॉजी में एरर को आसानी से खोजा जा सकता है। हाइब्रिड टॉपोलॉजी एक फ्लेक्सिबल टॉपोलॉजी भी होती है। एंड नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टॉपोलॉजी। हाइब्रिड टॉपोलॉजी के डिसएडवांटेज क्या है? हाइब्रिड टॉपोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव। हाइब्रिड टॉपोलॉजी काफी महंगी कॉस्टली होती है। हाइब्रिड टॉपोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट इंस्टॉलिंग, हाइब्रिड टॉपोलॉजी को इंस्टॉल करना काफी कठिन होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको टॉपोलॉजी और टॉपोलॉजी के प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू।
Thanks for watching video. Please like, share and subscribe. Thank you.